देखिए हुड्डा साहब की स्टेटमेंट यह है कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अकेले सरकार बनाने में सक्षम है। जहाँ तक राष्ट्रीय स्तर पे गठबंधन की बात है, ये काम हाईकमान का है और वो गठबंधन जो है लोकसभा में करना है, किस प्रकार से करना है, ये उनका काम है। उनका मकसद एक ही है कि हरियाणा में आज जो विपक्ष है केवल और केवल कांग्रेस पार्टी है, बाकी कोई विपक्ष नाम की हरियाणा प्रदेश में चीज़ नहीं है। इसी बिना पर उन्होंने कहा है कि गठबंधन करना राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का काम है, परंतु हरियाणा में कांग्रेस लोकसभा और विधानसभा अकेले लड़ने में सक्षम है। आम आदमी पार्टी के नेता कहें या कोई और कहे, हुड्डा साहब की सीधी स्टेटमेंट है कि आज ये लोगों ने साबित कर दिया। अब आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं, अभी ताज़ा आपके सामने चुनाव हुआ है आदमपुर का, और आदमपुर के चुनाव के अंदर पूरा जोर लगाया और 2,500 वोट भी क्रॉस नहीं कर पाए। तो बात तो उन्होंने कहा कि जिसकी दुकान में जितना सामान है उसके हिसाब से तो चर्चा होगी, पहले दुकान में सामान तो दिखाओ। उनको अपना घर संभालना चाहिए। आज कांग्रेस में क्या हो रहा है उनको चिंता सता रही है, क्योंकि कांग्रेस सरकार सत्ता में आ रही है। कांग्रेस के पद पाने के लिए हजारों वर्कर आज जहाँ जहाँ पर्यवेक्षक हमारे गए, हजारों वर्कर आए, ये वहीं आते हैं जहाँ दिखता है कुछ। आज बहुत लोग ऐसे हैं जो पद को रखे फिरते हैं, घर घर जाके बांटते फिरते हैं, जिनका जिक्र आपने किया, इनके पद तो घर में बांटते फिरते हैं। तो आज कांग्रेस पार्टी प्रजातांत्रिक तरीके से लोगों की बात कार्यकर्ताओं से पूछ के अपना संगठन बना रही है और बहुत जल्दी संगठन बन जाएगा। तो विरोध क्यों किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में पर्यवेक्षक आए, चाहे कुछ क्षेत्र की बात की जाए? कहीं भी कोई विरोध नहीं है, ये कार्यकर्ताओं का जोश है। हो सकता है कोई एक दो शरारती लोग हों जिन्होंने इस प्रकार के नारेबाजी करी हो, बाकी सभी कांग्रेस के वर्कर हैं और उन्होंने सब ने अपनी बात पर्यवेक्षक के सामने रखी। अगर उनका विरोध होता तो उन पर्यवेक्षक के पास कौन नहीं जाते? एक भी कार्यकर्ता का आप नाम बताओ कुरुक्षेत्र में, आप भी पुराने यहाँ जर्नलिस्ट हैं, कि जो कार्यकर्ता ने ये कहा कि मैं पर्यवेक्षक के सामने नहीं गया। सब के सब जिन ग्रुप की बात करते हो, सभी कार्यकर्ता चाहे वो किसी ग्रुप से जुड़ा था, सभी ने पर्यवेक्षक के सामने अपनी बात